हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीक्वेंस वाल कैसे काम करती है और सीक्वेंस वाल का किस तरीके से यूज किया जाता है, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस वाल का पूरा स्ट्रक्चर दिया है और ये नीचे सीक्वेंस वाल का सिंबल दिया है। यहाँ ये सबसे ऊपर जो है प्रेशर एडजस्ट करने के लिए स्क्रू है जो कि यहाँ सिंबल में यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो एरो बना है और ये यहाँ पर स्प्रिंग लगी होती है जो स्पूल को दबा के रखती है। स्प्रिंग यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही होगी सिंबल के अंदर। यहाँ पर ये ड्रेन पॉइंट है जो सिंबल के अंदर यहाँ पर आपको दिखाया गया है और उसके बाद यहाँ पर ये बैलेंस स्पूल है। ये पूरा का पूरा जो है बैलेंस स्पूल है जो कि आपको यहाँ सिंबल में ये एरो जो बना है स्पूल ये यहाँ पर दिखाया गया है और ये यहाँ से यहाँ तक पायलट लाइन है इंटरनल जो कि यहाँ पर सिंबल में आपको दिखाई गई है। ये पायलट लाइन है और यहाँ पर ये एनआरवी है जो यहाँ पर आपको दिखाई गई है, नॉन रिटर्न वाल जिसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर इसका काम करने का फंक्शन देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले ऑयल यहाँ से इन होगा और सीधा यहाँ पर ये इस लाइन में चला जाएगा और जब ये ऑयल इस लाइन में जाएगा तब क्या होगा कि यहाँ पर ये एनआरवी जो लगी है ये इसको आउट जो पॉइंट है इसमें जाने नहीं देगी ऑयल को और यहाँ पर जब बैक प्रेशर बनेगा तो वो यहाँ से जो ये पायलट लाइन है यहाँ पर प्रेशर जाना शुरू होगा और ये इसको जो यहाँ पर इसका जो ये स्पूल है ऊपर की साइड धकाएगा तो उस वक्त क्या होगा कि ये वाला जो हिस्सा है ऊपर चला जाएगा उतना ही जितना हमने एडजस्ट किया है और हमारा ऑयल यहाँ से आउट लाइन से निकल जाएगा जितना हमने यहाँ पर सेट किया है उसी हिसाब से और बाकी एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो यहाँ से ड्रेन लाइन से टैंक में चला जाएगा। इस वाल का किस तरीके के ऑपरेशन में यूज किया जाता है ये अब हम देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें। अब इस सर्किट के अंदर आप देख सकते हैं दो यहाँ पर सीक्वेंस वाल दी गई हैं, यहाँ पर दो सिलेंडर भी हैं तो दोनों का अलग अलग ऑपरेशन है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं, जब किसी मशीन में कई सारे सिलेंडर लगे होते हैं और हमें अलग अलग हिसाब से उनको ऑपरेट कराना होता है तो उसी हिसाब से हम सीक्वेंस वाल का चुनाव करते हैं और सीक्वेंस वाल लगाते हैं और उन सिलेंडर को उन्हीं के ऑपरेशन के हिसाब से हम ऑपरेट कराते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर दो सिलेंडर लगे हैं इनको दोनों को हमें ऑपरेट कराना है, किस तरीके से कराना है तो सबसे पहले आप इस सर्किट को समझें। तो सर्किट में एक पंप है, यहाँ पर टैंक है और यहाँ पर एक रिलीफ वाल भी दी गई है ये और एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल है। यहाँ पर ये जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल है ये टू पोजीशन फोर पोर्ट की है जो कि एक मैनुअल डायरेक्शन वाल है। अब यहाँ पर एक ये जॉब है, नीचे ये डाई लगी है तो इसको इस डाई के हिसाब से बैंड करना है तो उसको बैंड करने के लिए यहाँ पर इन सिलेंडर का यूज किया गया है। कैसे तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर जोन सी पोजीशन ये सिलेक्ट है इसी पोजीशन के हिसाब से आपको समझना होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑयल यहाँ से जाएगा, प्रेशर हमारा इस लाइन से और डायरेक्ट इस लाइन से होते हुए यहाँ पर सिलेंडर में जाएगा और ये सिलेंडर को रिवर्स करेगा। तो रिवर्स करने के बाद क्या होगा, हमारा जो ऊपर का ऑयल है वो हमारा जो है टैंक में चला जाएगा। ऊपर का ऑयल कैसे जाएगा तो आगे हमारे जो सीक्वेंस वाल है वो जो यहाँ पर स्पूल है ये तो यहाँ से बंद है तो यहाँ पर जो ये एनआरवी लगी है एनआरवी के यहाँ से होता हुआ नीचे टैंक में चला जाएगा और जब ये सिलेंडर पूरा रिवर्स हो जाएगा तो यहाँ पर ऑयल आगे तो जाएगा नहीं, ये ब्लॉक हो जाएगा यानी बैक प्रेशर बनेगा तो उस वक्त क्या होगा कि यहाँ पर ऑयल जाना शुरू होगा सीक्वेंस के हिसाब से। तो यहाँ पर ये एनआरवी लगी है, यहाँ से ऑयल आगे तो जाएगा नहीं तो यहाँ पर ये पायलट लाइन है तो ये इसको ऑपरेट कराएगी स्पूल को और ये स्पूल खुलेगा तो यहाँ से ऑयल जाएगा तो तब ये हमारा सिलेंडर रिवर्स जाएगा और इसका जो ऑयल है वो यहाँ से होता हुआ सीधा टैंक में चला जाएगा। अब ये वाली जब पोजीशन यहाँ पर बनेगी तो यहाँ पे क्या होगा, तो अब हमारा ऑयल जो है सीधा इस डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ से हमारा सबसे पहले इस वाले सिलेंडर में ऑयल जाएगा और इसको सिलेंडर को फॉरवर्ड कर देगा और जो नीचे का ऑयल है वो यहाँ से निकलता हुआ रिवर्स टैंक में चला जाएगा। अब इसके बाद जब ये इसको फॉरवर्ड कर देगा तो यहाँ पर एक बैक प्रेशर बनेगा तो फिर ये यहाँ पर इस वाल को जो है यहाँ पर ओपन करेगा यानी ये
ये यहाँ से पायलट लाइन से तेल जाएगा और इस पुल को ऑपरेट कराएगा और यहाँ पर जो है इस सिलेंडर को फॉरवर्ड करेगा तो हमारा ये ऑपरेशन काम हो जाएगा। तो ये इसको बैंड कर देगा सिलेंडर, फिर उसके बाद ये वाली पोजीशन यहाँ पर हमें सिलेक्ट करनी होगी जो अभी है यहाँ पर। तो फिर ये हमारा ऐसे ही डीक्लैंप यानी के रिवर्स चले जाएंगे हमारे सिलेंडर। तो इस तरीके से हम इनका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिक्वेंस वाल लगाकर जो किया गया है वो यह है कि पहले इस सिलेंडर को ऑपरेट कराया जाता है, जब ये इसको दबा लेता है फिर ये बैक प्रेशर से ये वाली ऑपरेट होती है वाल और ये सिलेंडर इसको बैंड कर देता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले ये वाला सिलेंडर रिवर्स जाता है और फिर उसके बाद ये वाला जाता है, यानी फॉरवर्ड करने के टाइम में सबसे पहले ये वाला सिलेंडर काम करेगा, बाद में ये वाला काम करेगा, और रिवर्स के टाइम में सबसे पहले ये वाला सिलेंडर काम करेगा और फिर ये वाला सिलेंडर काम करेगा। तो इस तरह के ऑपरेशन में हम सिक्वेंस वाल का यूज करते हैं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।